उत्तराखंड के सर्द मौसम में फिर से आंदोलनों की तपिश तेज होने लगी है। अभी सरकार ऊर्जा महकमे की मुलाजिमों के तेवर ही ठंडे कर पाई थी कि इधर गैरसैंड के राज्य की स्थायी राजधानी की मांग जोर पकड़ने लगी है। आज देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह की अगुवाई में गांधी पार्क के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार को कई मसलों पर घेरा, जिनमें नगर निकायों की सीमा विस्तार से लेकर राजधानी कानून व्यवस्था, गन्ना भुगतान, बेरोजगारी और पलायन के मसले तक शामिल रहे। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। देखिए, नगर निकायों की सीमा विस्तार की बात जब सरकार ने प्रारंभ की, उसी समय से त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे साथी और वहाँ की जनता आंदोलनरत है। कांग्रेस ने उस आंदोलन को पूरा समर्थन देने का काम किया और हमने नगर निकायों का जो सीमा विस्तार है इसके विरोध में सदन के अंदर भी आवाज बुलंद करने का काम किया और सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ने का काम किया है। देखिए, गैरसैंड के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ, जब राज्य का निर्माण हुआ था, निर्माण के समय राजधानी के बारे में फैसला ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी के मुद्दे को जो है सुलझाने का काम नहीं किया या राजधानी की घोषणा नहीं की। और जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने निश्चित रूप से गैरसैंड, जो मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड की अस्मिता का, और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब सरकार शीतकालीन सत्र जो है गैरसैंड में जो है क्या नाम कर सकती है, तो राजधानी के बारे में शीघ्र निर्णय लेने का काम करे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के वक्त कुछ कहते थे, चुनाव के बाद कुछ और कह रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में जो है बड़ा अंतर।